वेलकम मियाबुल किचन, आप सबका स्वागत है मियाबुल किचन में। आज बनने जा रहे हैं बॉम्बे बिरयानी। बॉम्बे बिरयानी के लिए चाहिए 1 किलो चावल, जो कि मैंने 10 मिनट पहले उसको धो के रख दिया है। फिर उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए चाहिए तेज़पत्ता, फूल, इलायची, लौंग, दालचीनी, हरी दालचीनी और ज़ीरा। ये बॉईल में जाएगा। और मसाला जो हमारे ग्रेवी के में मसाला जाएगा, पुदीना और कोथमीर, थोड़ा सा अनार, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, 5 टमाटर बगार में जाएगा और ये पीसने में जाएगा ग्रेवी में, और तेज पत्ता जाएगा बगार में। और मैंने 5 प्याज काट के रख लिया है, जो कि हमको बगार में चाहिए। और जाएगा सूखा मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। यह है बिरयानी मसाला, जो कि शान का है। और यह है गरम मसाला, यह है काली मिर्च। और 1 किलो चिकन बॉईल करने में ये सब गरम मसाले जाएंगे और थोड़ा सा तेल जाएगा, 1 चम्मच भर के तेल जाएगा और नमक जाएगा स्वाद अनुसार, ज्यादा ना डाले। चावल को हमको इतना ही बॉईल करना है जितना हमको चाहिए, मीडियम ही बॉईल करना है, थोड़ा कच्चा हो थोड़ा पक्का हो। अब लोग बोलेंगे बिरयानी में अनार कहाँ से पड़ता है। अनार इसलिए डाला जाता है कि मसालों को डाइजेस्ट करता है, और जैसे मसाला बिरयानी खाने के बाद लोग बोलते हैं सीना जलता है, मगर ये डालने से अपना सीना और मसाले की इतनी जलन नहीं होगी, इसलिए अनार डाला जाता है। या अनार डालो या एक मौसम्बी डालो बिरयानी के अंदर कि मसाले को बराबर कवर कर ले। यह है पुदीना कोथमीर, जो कि वो भी जाएगा पीसने में। और 2 प्याज ली मैंने पीसने के लिए। आप इस तरीके से बिरयानी बनाना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बिरयानी बनेगा आपका। ये बिरयानी के मसाले में तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, इलायची, फूल, हरी इलायची, 3 डालेंगे। फिर उसके बाद जो हमको प्याज डालना है, मैं बिरिस्ता नहीं डालती हूँ, मैं प्याज को ही लेती हूँ। लोग बिरयानी में बिरिस्ता डालते, पर मैं बिरिस्ता नहीं डालती हूँ। ये 5 प्याज है पूरा। अब इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हमको फ्राई करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा फिर टमाटर हम डालेंगे। ये हमारा चावल बिरयानी का हो गया है, बस हमको इतना ही बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। चावल को छान के ले लिया है, अब इसको रख दिया है। रखने के बाद उसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये कांदा हो गया हमारा ब्राउन, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर को कम से कम हमको 5 मिनट भूनना है। पाँच मिनट भूनने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया है, ये हमारा मसाला है जो हमने तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद ये सब भुनी जाएगी। ये हमारा टमाटर भून के 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। ये जो हमारे पेस्ट बना के रखा था ये डालेंगे। फिर जाएगा जितने पाउडर है ये सब जाएंगे।
को 2 मिनट तक बस हमको भूनना है। 2 मिनट के बाद ये हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें चिकन। हमको सारा हड्डी वाला ही चिकन लेना है, तो बिरयानी में टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह मसाले को मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये आपके ऊपर है कि आपको नमक कितना डालना है। अब इसको हमको सब डालकर चिकन मसाला कम से कम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चावल की तय लगाएंगे। अब मसाले को हम थोड़ा सा इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इतने मसाले में हमको चावल को डालना है। ऐसा हम 2 तह लगाते हुए चले जाएंगे। इसमें से थोड़ा सा पुदीना और कोथमीर, जो हमने मसाला साइड में रखा हुआ है उसको हम पूरा ले लेंगे। अच्छी तरह सब्जी के मसाले को फैला देंगे। सेम जैसा आपने करा था सेम वैसा ही करना है। सब सारे चावल को उसमें ऊपर से डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा भी डाल सकते हो। जो कोट में पुदीना है उसको कैसे अब इसको हमको दम को हमको कम से कम 10 से 15 मिनट दम के लिए रख देना है।
ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है खाने के लिए, बम्बई बिरयानी।